ओम शांति, ओम शांति। साइंस ने हमको कार दिया, रास्ता भी दिया बना के, लेकिन कार चलाने वालों को नियम बनाया। इस विधि नियम से आपने कार चलाना चाहिए। अगर इस नियम का उल्लंघन करते हो तो सजा होगी। माँ बाप ने हमको शरीर दिया और भगवान ने इस सृष्टि पर हमको भेजा, तब का सबसे पहला गुरु माँ गुरु है। उसके बाद स्कूल में जाते हो टीचर है, और उससे भी सबसे बड़ा सतगुरु कहते हैं। वो सतगति करता है। अगर सतगुरु का ज्ञान नहीं है, उदाहरण के लिए देखो, भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया, तीर चुभ रहे थे, सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने कहा कि बचपन से आज तक मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, मुझे दुख क्यों मिला? मेरे लिए कोई शैया नहीं मिली, ये तीर की शैया, तीर चुभ रहे। तब उन्होंने कहा कि बचपन में आप रथ चलाते थे, घोड़े गाड़ी चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपका मन स्वच्छ था, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तुरंत रथ को रोका, सांप को उठा के बाजू में किया। रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, उनका लक्ष्य था हिंसा नहीं करनी चाहिए। सांप को उठा के बाजू में किया, कहां गिरा वो? जितने कांटे उस शरीर को लगे थे, उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। एक ही महाभारत के अंदर दृष्टांत आता है, कर्मों की गुह्य गति। रास्ते पर जाते हैं हम, गरीब दिखाई दिया, आप दान किया ना, क्या गलत किया? दान किया नहीं, दान करने से पहले एक शब्द है, पात्र को देख के दान करना चाहिए। दान करना चाहिए, आधा ज्ञान हुआ, पात्र को देखो। अगर आपने 10 रुपया दिया, उसने तंबाकू खाया, शराब पिया, उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। कर्म करना हमको पता है, लेकिन कर्म कैसे करना चाहिए? माँ बच्चों को, बच्चे ये खा लो, ये खा लो, ये कपड़े पहनो, लेकिन कभी माँ कहती बच्चे ये सोचो, ऐसा नहीं सोचना, ये कौन सिखाएगा? वो सतगुरु चाहिए, क्योंकि जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे।